Hello and welcome to BCS Learning. So many students were asking about the third list, okay, or another list for RIE Mysore, RIE Bhubaneswar, RIE Ajmer. So उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो बहुत बच्चों ने मेरे को मैसेज किया, कमेंट किया कि सर नेक्स्ट लिस्ट कब आएगा. तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ यहाँ पर समझाऊंगा इस वीडियो में कि RIE अजमेर का नेक्स्ट लिस्ट कब आएगा, BEd का लिस्ट कब आएगा, फिर RIE भुवनेश्वर का थर्ड लिस्ट सेकंड लिस्ट आ चुका है, थर्ड लिस्ट कब आएगा, भोपाल का आने का क्या चांसेस है, क्या सब मतलब नेक्स्ट आपका अपडेट्स क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा. इवन प्रारंभ के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. सिंपली जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा सकते हो, ओके. और साइड में जो यूट्यूब के साइड में जो ज्वाइन बटन है वहां पे भी ज्वाइन करके आप कोई भी कोर्स आप ले सकते हो, RIC का कोर्स ले सकते हो या आपके अनुसार कोई भी कोर्स ले सकते हो सिंपली. और कोई भी आपका डाउट है तो सिंपली DCS लर्निंग लिख के यहाँ पे आपका जो भी डाउट है ना आप लिख दो ना, यहाँ पे लिखने से आपका आ जाएगा, ठीक है. मेरा चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब करके ज्वाइन बटन को आप दबा सकते हो, ठीक है. तो और एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर कोई भी कोर्स आपको लेना है RIE के लिए, ऑनलाइन कोचिंग आपको चाहिए, ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं RIE के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा सुपर 50 बैच. सिर्फ 500 रुपीज देके आप सुपर 50 बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको 2021 तक आपको मतलब 2021 में जो एग्जाम होगा RIE का, एक एंट्रेंस एग्जाम जो होगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सिर्फ 500 रुपीज देके आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप पूरा टोटल यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो 110, तो दिवाली ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको 15% का ऑफ मिलेगा. यहाँ पे आपको 3000 रुपया देना है, लेकिन अगर आप आज बुकिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 2500 रुपये आपको देना है, ठीक है. तो सुपर 50 कोर्स ले सकते हो या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लेके उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा आंसर की और विद एक्सप्लेनेशन. और RIE के लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल चाहिए जो हम सुपर 50 बैच को देते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. POIQ का कोर्स का जो फी है वो 100 रुपीज है ओनली, और स्टडी मटेरियल कोर्स का जो फी है वो 500 रुपीज है. कोई भी कोर्स लेते हो तो दिवाली ऑफर के वजह से 15% आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब 100 रुपीज का कोर्स में आपको 85 रुपीज ओनली आपको देना पड़ेगा. अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन ओनली कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओके. अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज. यहाँ पे देखिए प्रारंभ में काउंसलिंग खत्म हो चुका है, ठीक है. मैं आपको यहाँ पे काउंसलिंग का लिस्ट समझा देता हूँ. यहाँ पे जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसका नोटिस भी प्रारंभ की तरफ से आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है. अब तक उनको करना था 3 नवंबर तक करना था, जो भी है यहाँ पे आप उनका लिस्ट देख सकते हो. क्या कितना क्या वैकेंसी था यहाँ पे, ऑल इंडिया कैटेगरी में 2 वैकेंसी था प्रारंभ में, हरियाणा कैटेगरी में 2, यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी कहीं पे और वैकेंसी नहीं था. यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट हरियाणा में 1 और बैकवर्ड कास्ट बी हरियाणा में 1, सब बस 4, BA.BED में 4, BSc.B.Ed में 3 और BSc.B.Ed में 4 वैकेंसी है. तो आप अगर नेम है तो आप अप्लाई कर सकते हो. प्रारंभ का हो गया. अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट RIE का. नॉर्थ ईस्ट RIE में सिर्फ 2 ईयर BEd का कोर्स होता है, जो कि आपका यहाँ पे क्या बोल रहे देख सकते हो, दिस इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट दैट हु हैड अप्लाइड फॉर 2 ईयर BEd कोर्स इन नेरी, ओके Umiam, that the last date of uploading marks secured by qualifying candidate degree exam will be extended to 27th November. मतलब आपका रिजल्ट दोस्तों इस साल नवंबर को भी नहीं आएगा, 27 नवंबर तक नहीं आ रहा, मतलब दिसंबर में जाके आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है. आपका जो रिजल्ट है नेरी वालों का रिजल्ट आपका सीधा जाके दिसंबर के महीने में आएगा. तो आप अगर कहीं और एडमिशन करना चाहते हो तो कर सकते हो बेफिक्र, और यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है तो भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप अगर दिसंबर तक वेट करोगे तो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम जो मई या फिर जून में होगा उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा. तो अगर आप सुपर 50 ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो मैं आपको डेफिनेटली ये सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप लोग लूजर रहोगे. और RIE अजमेर का बात करेंगे तो RIE अजमेर का भी मैंने आपको बताया था, फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है. अजमेर का यहाँ पे अजमेर का नेक्स्ट लिस्ट आने का क्या पॉसिबिलिटी है, ये सब PDF मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. 11th को इनका एडमिशन है, ठीक है ना, मतलब कल इनका एडमिशन है. तो कल एडमिशन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनका डेट लिखा है 11th में एडमिशन होने के बाद अगर कुछ वैकेंसी निकलता है तो 15 नवंबर के आसपास, ठीक है, 15 नवंबर के आसपास अजमेर का नेक्स्ट लिस्ट जो है वो निकलने का चांस है. अजमेर का नेक्स्ट लिस्ट जो है वो नवंबर 15 के आसपास निकलने का चांस है. मेरे हिसाब से शायद बहुत ही कम सीट बचे होंगे, सब लोग फिलअप कर लेंगे, फिर भी कुछ कुछ एक आध
चार पांच ऐसा कुछ मतलब अजमेर से भी लिस्ट निकलने का चांस है। भुवनेश्वर का बात करेंगे तो भुवनेश्वर में आपने दिखा था कि कितना नंबर तक लिस्ट किया था, तो भुवनेश्वर का यहाँ पे डेट, यहाँ पे शायद सीट भुवनेश्वर का खत्म हो गया है। भुवनेश्वर का यहाँ पे 10 से 12 के बीच में पेमेंट वगैरह होगा, और इनका भी अगर कोई लिस्ट निकलता है तो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। नवंबर 15 से पहले यहाँ पे भुवनेश्वर का भी नेक्स्ट लिस्ट निकलने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैसूरू का भी बात कर लेते हैं, मैसूरू का तो लिस्ट निकल चुका है, शायद यहाँ पे हो गया होगा, फिर भी अगर कुछ वैकेंसी निकलता है तो भी ये नवंबर 15 के आसपास निकलेगा। तो नेक्स्ट वैकेंसी लिस्ट जो है वो नवंबर 15 के पहले निकलेगा, और बीएड वालों का रिजल्ट दोस्तों वो दिसंबर महीने में जाकर निकलेगा। नेरी वगैरह का, भुवनेश्वर और अजमेर वालों का भी और मैसूरू वालों का भी शायद सेम हाल है, दिसंबर महीने में जाकर रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि आप नेरी वाला वेबसाइट से देख सकते हो। यहाँ पे 27 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 27 नवंबर तक रिजल्ट आने का कोई चांस नहीं है, दिसंबर महीने में आएगा। तो ये आपको अपडेट देना था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।